नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फेलियर. टाइप्स ऑफ फेलियर क्या हो सकता है? सीयर फेलियर और रिवेट. सीयर फेलियर. सीयर फेलियर में क्या होता है बेटा? ये आपका जैसे कि रिवेट है आपका इस तरीके से, ये आपका रिवेट है, ठीक है. तो रिवेट में जो हमारा सीयर फेलियर होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है. ओरिजिनल सॉरी हाँ, सीयर फेलियर बता रहा था. सीयर फेलियर में हमारा कुछ इस तरीके से आपका ये रिवेट जैसे है, ठीक है. तो रिवेट में जो सीयर फेलियर होगा वो आपका यहाँ से इस जगह से ब्रेक हो सकता है या इस जगह से ब्रेक हो सकता है. और ये इसका शेप जो होगा कुछ इस तरीके से हो सकता है. ये लास्ट ईयर यानी आपका जो रिवेट होगी वो कुछ इस तरीके से फेलियर हो जाएगी, ठीक है. मतलब आपका जो प्लेन है वो अलग प्लेन से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पहले वाले प्लेन के लाइन ऑफ एक्सिस में नहीं रहेगा और वो सियर ऑफ हो जाएगा, जैसे कैंची से कट करते हैं किसी चीज को. उसके बाद टेंसाइल फेलियर ऑफ द प्लेट बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिवेट्स. टेंसाइल फेलियर कैसे हो सकता है भाई? टेंसाइल फेलियर रिवेट में अगर देखा जाए तो ये हमारी रिवेट अगर इस तरीके से हो गई, ठीक है. तो टेंसाइल फेलियर का मतलब ये है कि आपकी रिवेट में टेंसाइल फोर्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा है इस तरीके से, ठीक है. जनरली अब वो कब लग सकता है? जब बेंडिंग हो सकती है. तो टेंसाइल फेलियर में हमारी जो रिवेट होगी वो क्रैक कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जनरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल फेलियर, जैसे कि आपकी बाकी सारी चीजों में होता है, ठीक है. This is the tensile failure. Next is the crushing failure of the plate. Crushing में break हो जाती है directly rivet. Crushing में आपकी rivet directly break हो जाती है इस तरीके से. This is the crushing. ठीक? This is the crushing. उसके बाद है shear failure of the plate in the margin area. Margin area आपका shear failure of plate. अब यहाँ पे plate की बात कर रहा है, यहाँ पे भी plate की बात कर रहा है. तो यहाँ पे plate की बात करने का मतलब ये है कि आपकी जो plate है वो आपकी थोड़ी सी जूम कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ. ठीक है, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ. तो क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट बता रहा था मैं, सीयर फेलियर प्लेट इन द मार्जिन एरिया. मार्जिन एरिया आपका ये मार्जिन एरिया, ये आपका जो है ये दिस इज कॉल्ड मार्जिन एरिया. ये मार्जिन एरिया पूरा आपका, ये भी मार्जिन एरिया है आपका पूरा, और यहाँ पे भी आपका ये सब मार्जिन एरिया चल रहा है. तो आपका मार्जिन एरिया पे जो प्लेट होगी, दिस इज कम्प्लीट प्लेट, जिसको हमने कहते हैं बूट स्ट्रैप या स्ट्रैप कहते हैं, अलग से हम लगाते हैं ताकि हमारी रिवेट जो प्लेट है ये दिस इज कॉल्ड बूट स्ट्रैप, दिस इज कॉल्ड बूट स्ट्रैप. तो ये जो मार्जिन एरिया होता है, इस मार्जिन एरिया में हमारा क्रैक जनरेट हो जाता है कुछ इस तरीके से. इसको क्लियर माइंड ड्राइंग कर रहा हूँ. कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रैक क्रिएट हो सकता है, ठीक है. आपके रिवेट पे क्रैक नहीं आ रहा, लेकिन आपके प्लेट यानी बूट स्ट्रैप में आपका क्रैक आ सकता है, ठीक है. तो इस वजह से क्या होता है? फेलियर हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका फेलियर हो सकता है, यहाँ पे आपका फेलियर हो सकता है. तो ये आपका सेलियर फेलियर ऑफ द प्लेट इन द मार्जिन एरिया. टीयरिंग ऑफ द प्लेट इन द मार्जिन एरिया, यहाँ पे भी टीयरिंग हो सकती है, कुछ इस तरीके से टीयरिंग हो सकती है, कुछ इस तरीके से टीयरिंग हो सकती है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से टीयरिंग हो सकती है. देर आर द लॉट ऑफ टाइम प्रोसेस ऑफ द फेलियर. हम सीयर फेलियर रिवेट का कर सकते हैं, हो सकता है टेंसाइल फेलियर ऑफ रिवेट का हो सकता है, क्रशिंग फेलियर ऑफ प्लेट का हो सकता है, उसके बाद सीयर फेलियर ऑफ सीयर फेलियर प्लेट का हो सकता है, उसके बाद टीयरिंग ऑफ प्लेट हो सकती है. यानी प्लेट में सीयरिंग, क्रशिंग एंड टीयरिंग तीन तरीके से फेलियर हो सकता है. Based upon the above mentioned criteria, the failure strength equation are written in the riveted drawing. Some of the equations that we have written are.
मैं जूम मार्क कर देता हूँ 100%, इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ 100%। तो ये हमारा आपका तो उसके बाद आपका आ जाता है कुछ इक्वेशंस हैं, जिसमें इक्वेशंस हमारी क्या कह रही हैं। तो सबसे पहले हमारी जो फेरियर्स होंगे स्ट्रेंथ इक्वेशंस। स्ट्रेंथ इक्वेशंस क्या होती हैं, जो हमारी रिवेट की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम कैसे निकालते हैं कि रिवेट कितनी स्ट्रेंथ रहेगी। मतलब अगर हम यहाँ पे किसी में फोर्स लगाएं, सपोज करो यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएं, एनपेट करते हैं इसमें, अगर हम फोर्स इस तरीके से इधर से लगाएं और इस फोर्स इस तरीके से इधर से लगाएं, तो इन रिवेटों में लगने वाले जो फोर्स होगा उसको टैकल करने के लिए, उसको बियर करने के लिए स्ट्रेंथ इक्वेशन बताई जाती है कि हमारी इस रिवेट जो होगी उसका क्या डायामीटर होना चाहिए, उसका क्या मटेरियल होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे हमारी स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। तो और कितनी रिवेट होनी चाहिए, यानी कितनी रो में लगनी चाहिए, कौन सी हम रिवेटिंग ज्वाइंट यूज करेंगे। तो शियर फेलियर ऑफ द रिवेट, टेंसाइल फेलियर ऑफ द रिवेट, क्रशिंग ऑफ द फेलियर, ये सब हम कंसिडर करते हैं। इन सब के बेसिस पे हम अपना स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो नेक्स्ट है, दिस इज सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। हमारी जो शियर स्ट्रेंथ होगी रिवेट की, वो कैसे यहाँ पे शो की जा रही है, यू कैन सी। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहला एनोटेट कर देते हैं ये हमारी ड्राइंग। हाँ, सबसे पहले ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शियर स्ट्रेंथ रिवेट। सबको सुनाई दे रहा है? यस सर, हाँ, देखो दिस यस इज द, सर, दिस इज द फेलियर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, यस सर, क्लियर क्लियर, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। आप लोग हाथ खाली कर दिया करिए, आपके उसमें ऑप्शन होता है हैंड रेस करने का, तो आपको जब मैं कोई क्वेश्चन करूँ तो आप डायरेक्टली उसका जवाब हैंड रेस करके कह सकते हो। ठीक है, उसपे बोलने की जरूरत नहीं है। यस सर, ठीक है, आप सीधे हैंड रेस कर दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा हाँ सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा यस है। सर, फिर कहाँ का ऑप्शन है? कहाँ पे ऑप्शन है जहाँ आपकी शायद और में क्या। ऑप्शन आते हैं, हाँ बेटा, मोर में जाओ, मोर मिल जाएगा वहां। मोर में सेकंड नंबर ऑप्शन है। रेज योर हैंड का है ना। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है वो कैसे डिपेंड कर रहा है। तो स्ट्रेंथ हमारी सबसे पहले किस पे निकालते हैं, फोर्स। और फोर्स की हम बात करें तो प्रेशर, फोर्स और ये सब चीजें आ जाती हैं हमारी। तो यहाँ पे पी एस जो दिया गया है, यहाँ पे पी इज जनरली एक ऐसा फोर्स है जो कि हम पी एस लेके चल रहे हैं। जनरली पी एस यहाँ पे ये है आपका, दिस इज द फोर्स पी एस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये पी एस जो है वो ये है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे रिवेट में कैसे कैसे क्या हो रहा है ये अभी आपको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फिगर ए है, टाइप्स ऑफ फेलियर रिवेट जॉइंट, सियर फेलियर ऑफ रिवेट, सबसे पहला क्या है, ए जो नंबर है दैट इज कॉल्ड सियर फेलियर। अगर इसको जूम करके देखें, ध्यान देने, इसको जूम करेंगे हम तो क्या समझ में दिखेगा सियर फेलियर क्या हो रहा है। हमारे पास 400% पे जाते हैं और यहाँ देखते हैं सियर फेलियर कैसा हो रहा है। यू कैन सी द वॉच हाउ द सियर फेलियर इज गेटिंग इन रिवेटेड ज्वाइंट। दिस देखिए, आपकी ऊपर की जो रिवेट का, ऊपर वाली जो रिवेट है उसका जो एक्सिस है वो कैसा है आपका, इन इन लाइन है, लेकिन नीचे वाले का इन लाइन नहीं है, यानी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया है। क्लियर, जिस थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है इधर, ये देखिए डिफ्लेक्शन इन द रिवेट एक्सिस इज नोन एज द सीयर। यानी ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये फोर्स आपका इधर की तरफ खींच रहा है और ये फोर्स आपका इधर की तरफ खींच रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं, रिवेट को सियर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। दैट इज कॉल्ड सियर स्ट्रेस डेवलप्ड इज हाईली एंड इट कांट बी रजिस्ट बाय द रिवेट। ठीक है, इट कांट बी रजिस्ट बाय द रिवेट। तो नेक्स्ट आपका अगर देखें तो यहाँ पे इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट 1 फिट टू पेज कर देता हूँ, सॉरी
अभी नेक्स्ट है आपका, इसको मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ, क्लियर माय ड्राइंग। उसके बाद है आपका उसमें नेक्स्ट रिबिट सीयर फेलियर, टेंसाइल फेलियर ऑफ द प्लेट्स, टेंसाइल फेलियर ऑफ द प्लेट्स बिटवीन रिवेटेड जॉइंट। तो ये आप देख रहे हो बी नंबर जो है यहाँ पे टेंसाइल फेलियर हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ से देखिए ये जो ज्वाइंट है ये ब्रेक हो जा रहा है। ये जो आपका देख रहे हो ये ब्लैक कलर की लाइन जो है यही शो कर रही है कि ये आपका ब्रेक हो चुका है, ये आपका ब्रेक हो, ये लाइन जो है ये पहले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस लाइन इज शोइंग द स्ट्रैप ज्वाइंट। स्ट्रैप ज्वाइंट का मतलब ये है कि आपकी लाइन जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्रसिंग हो रही है, टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट बिटवीन रिवेट। तो ये आपकी जो प्लेट है इस वाले फिगर में, यहाँ पे देखिए ये आपका फेलियर ऑफ द प्लेट, यानी टेंसाइल फेलियर हो रहा प्लेट में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे तीसरा फिगर है क्रसिंग फेलियर ऑफ प्लेट बाय द रिवेट्स, क्रसिंग फेलियर ऑफ द प्लेट्स बाय रिवेट्स। ये आपका यहाँ पे क्रसिंग हो जा रही है, यानी प्लेट यहाँ से ब्रेक हो जा रही है इस तरीके से। उसके बाद है लास्ट वाला सीयर फेलियर ऑफ द प्लेट बाय रिवेट्स, सीयर फेलियर बाय प्लेट्स बाय रिवेट्स। ये धीरे धीरे आगे करके आपको बताया जाएगा। और लास्ट है टीयरिंग ऑफ मार्जिन, यानी की पॉइंट है, यानी मार्जिन जो है वो आपका टीयर हो गया इस जॉइंट में। अगर जूम करके देखाते हैं आपको, यहाँ पे आपका जूम अगर हम करते हैं इसको 400% कर देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर माई ड्रॉइंग, और ये आपका एनोटेशन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। दिस वन, तो दिस वन इज नोन एज क्रसिंग टीयरिंग ऑफ मार्जिन, एंड दिस वन इज नोन एज सीयर फेलियर ऑफ प्लेट बाय रिवेट्स। रिवेट के थ्रू आपका प्लेट का सीयर फेलियर हो गया है, यानी रिवेट क्या, रिवेट क्या कर रही है, रिवेट की पोजीशन कहीं और थी और वो उससे खिसक के इसने प्लेट को ही सीयर कर दिया है, प्लेट को ही फेलियर कर दिया है, ठीक है। यानी आपका जो होल होता है वो क्या हो जाता है, कभी कभी बड़ा हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सीयर फेलियर ऑफ द रिवेट, क्रसिंग फेलियर ऑफ द प्लेट बाय रिवेट, क्रसिंग फेलियर ऑफ द प्लेट बाय रिवेट। रिवेट ही हमारी प्लेट को क्रश कर दे रही है, तोड़ दे रही है, ठीक है। That is called piercing failure of the plate by rivets. ठीक है, तो इसके बाद फिर आपको हम दिखाएं, इसको मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नीचे डाउनलोड कर दे रहा हूँ और इसके जूम आउट कर दे रहा हूँ, जूम आउट, ओके, जूम 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 टू विद, ठीक है। तो आपका जो अपन नेक्स्ट, सॉरी टू विद पेंसिल है, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट केस है वो आपका कैलकुलेशन करना है पी एस इक्वल्स टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर टाउ। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में शो क्या करना चाह रहा है फार्मूला, ये फार्मूला एक्चुअली में शो करना चाह रहा है, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर।